नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश पटेल है और मैं कृषि नेटवर्क की तरफ से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ चर्चा के लिए आज एक किसान मौजूद हैं जिनका नाम राधेश्याम जी है और ये ग्राम सभा रसुलवापुर जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। तो आज मैं इनसे कुछ खेती के विषय में कुछ दो चार शब्द इनसे कुछ पूछना चाहूँगा कि खेती वगैरह ये कब से करते हैं। तो राधेश्याम जी बताइए, आप खेती का काम जो है ये कब से करते हैं? जब से वो संभाले, मतलब काफ़ी दिनों से आप खेती का काम निरंतर कर रहे हैं। तो इसमें ये बताइए, आप फसलें वगैरह जो है मतलब कौन कौन सी आप लगाते हैं अपने खेतों में, जैसे कि धान गेहूँ? हाँ, धान गेहूँ और ये रबी की फसल में आप कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? वही गेहूँ लगाते हैं। वही गेहूँ और ये सरसों वगैरह? सरसों बस यही। सरसों वगैरह और ये सब्जियाँ वगैरह की क्या आप खेती करते हैं? जैसे आलू हुआ, टमाटर हुआ, कभी कभी लग जाता है, मटर हुआ। अच्छा ऐसे ऐसे। तो ये बताइए कि अभी तो फिलहाल धान का सीजन चल रहा है, तो इसमें लगभग आप अभी धान का फसल जो है कितनी जमीन पे आप अभी उगाएंगे? एक एकड़। अच्छा, एक एकड़ पे आप अभी धान का फसल जो है उसको उगाएंगे। तो इसमें जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि मतलब आप किसान भाइयों का जैसे कि एक एकड़ में लागत वगैरह कितना पड़ जाता है? जैसे कि लागत तो क्या, उसमें लमसम दो बोरा डाला गया है। हाँ, और क्या मतलब एक एकड़ में 8 से 10 हज़ार रुपये लागत आप लोगों का लगता है। हाँ, और इसमें जो है मतलब आप एक एकड़ में मतलब अगर अनाज आप बेचे तो लगभग कितना मतलब आप अनाज बेच सकते हैं? अब तो पैदा होने के ऊपर है, जितना पैदा हुआ उतना पैसा मिलेगा बेचने में। और इसमें जो है ये रुपाई वगैरह के लिए जैसे कि कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, ट्यूबवेल, पंपिंग सेट या सोलर? अरे इन साल तो बारिश से हुआ, नहीं तो बस पंपिंग सेट से चलता है। पंपिंग सेट क्या आपके पास है? हाँ भाई, भाई। अच्छा ठीक है। और इसमें ये बताइए, अभी आप बताए कि अभी आप सब्जियों वगैरह की भी खेती, मटर की भी खेती करते हैं, तो इसमें मान लीजिए मटर की खेती आप कर रहे हैं तो उसमें मटर के का बीज वगैरह जो है मतलब आप कैसे तैयार करते हैं? से लाते हैं। और आप हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि मतलब मटर की खेती आप कैसे करते हैं? उसमें क्या कुछ डाल लिया है, जोताई हो गया, अब यह डाल दिए, उसे कोड़ो, खनो, उपजाओ, दवा छोड़ो, बस यही है। तो सर क्या, तो इसमें मान लीजिए अगर आप मटर वगैरह में अगर कोई रोग वगैरह लग जाता है तो इसका निदान आप कहाँ से पाते हैं? हाँ, तो दुकान पर जाते हैं तो दवा देते हैं सब, छिड़काव करते हैं। अच्छा अच्छा। तो चलिए ठीक है। और राधेश्याम जी, आपने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और जन जन की कहानी अपने आप तक पहुँचाने के लिए आप डाउनलोड कीजिए कृषि नेटवर्क ऐप, जो आपको रखे हमेशा आगे। धन्यवाद।